सब्सक्राइब करें संस्कार टीवी को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी ज्यादा धनवान। तो राधा जी नित नए नए हार पहनकर आती थी, कभी सोने का, कभी हीरे का, कभी मोतियों का, कभी किसी का। आज उन्होंने मोतियों का हार पहना था। ठाकुर जी की नजर पड़ती है तो उसे ठीक से देखने के लिए वो हाथ आगे करते हैं। हाथ आगे करते हैं तो राधा जी ने सोचा थोड़ा विनोद किया जाए, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, ठाकुर जी को थोड़ा परेशान करते हैं। तो जैसे ही भगवान ने हाथ आगे किया, राधा जी पीछे हट गए। पीछे हट गई तो भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, टूट गया ना तो इसका मोल नहीं चुका सकते तुम। चलिए यहां तक तो मजाक था, ठाकुर जी भी मजाक में थे, पर कभी कभी कहते ना मजाक करते करते हम थोड़े ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और वो मजाक किसी को तकलीफ पहुंचा देता है। राधा जी ने कहा, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा और यशोदा मैया बिक भी जाए तो इसका मोल नहीं चुका सकते। ठाकुर जी को बात अच्छी नहीं लगी, वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। राधा जी कहती है कि भगवान तो नाराज हो गए, मैंने तो मजाक किया था। अब कई दिन हो गए ठाकुर जी रास करने नहीं आ रहे, भगवान रास करने नहीं आ रहे, तो अब राधा जी भी रास करने नहीं आ रहे, केवल रो रही है घर पर, बहुत उदास है। और कोई अगर पूछ ले कि राधा क्या हुआ है तो और जोर से रोने लग जाए। अब यहां पर एक दिन नारद जी वृषभानु जी के घर पर जाते हैं। जाते हैं तो वृषभानु जी से पूछते हैं कैसा है सब कुछ, राधा जी कैसी है। वृषभानु जी ने कहा, राधा को तो पूछिए मत आप, पता नहीं उसे क्या हो गया है, कुछ बता नहीं रही, केवल रो रही है, उदास बैठी है, किसी से बात नहीं करती, पूछो तो और रोने लग जाए। नारद जी कहते, वृषभानु जी बेटी जब बिना बात के उदास रहने लग जाए, रोने लग जाए, तो समझ जाना वो विवाह योग्य हो गई है, अब शादी कर दीजिए आप। वृषभानु जी कहते, शादी तो कर दूं लेकिन किससे करूं, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। अरे नारद जी कहते, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। कौन छोरा? अरे आपके मित्र नंदराय जी, उनका छोरा कृष्णा। ठीक है, थोड़ी चोरी करता है तो वो तो सुधर जाएगा शादी के बाद। कहते कि लड़का लड़की में शादी के लिए फर्क कब पता चलता है, मतलब फर्क क्या है और कब पता चलता है कि दोनों शादी के योग्य हो गए हैं। कहते हैं कि जब लड़की ज्यादा समझदार हो जाए तो उसकी शादी करते, जब वो ज्यादा समझदार हो जाती है, सही सीख जाती है तो उसकी शादी करते। अब लड़के जब ज्यादा शरारती हो जाए, ज्यादा ना समझ हो जाए, तब उनकी शादी करते। ये मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छी बात है, आपको भी समझदार होना चाहिए, लेकिन परिवारों में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जब बहुत लड़का ज्यादा ही बदमाश हो जाए तो क्या कहते हैं, शादी कर दो, शादी करोगे जिम्मेदारी सर पर आएगी, अपने आप सुधर जाएगा, कहते हैं ना। और लड़की के लिए जब वो ज्यादा समझदार हो जाती है, हर काम अच्छे से कर ले, तो अब शादी योग्य हो गई है। तो नारद जी भी कहते हैं कि ठीक है, थोड़ा शरारती है, चोरी करता है, लेकिन चोरी भी तो माखन की करता है, पैसे की थोड़ी करता है, खाने की वस्तु है, तो वो भी शादी कर दोगे तो जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगी। और ऊपर से देखा हुआ घर है, आपके मित्र का घर है, राधा को कुछ भी दिक्कत हुई तो आप हक से जाकर कह सकते हो कि नंद राय तुमने ऐसे कैसे किया, राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो मित्र है।
ऋषभानु जी ने कहा अच्छी बात है, क्या करें, रिश्ता भेजते हैं। तो एक पहले पत्र तैयार किया, उसमें लिखा गया हम चाहते हैं राधा आपके घर की बहू बने, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो स्वीकृति पत्र भेजिए। स्वीकृति पत्र भेजिए, लेकिन खाली पत्र तो भेजेंगे नहीं, तो 108 खोमचे तैयार करते। खोमचे किसे कहते हैं? बड़े बड़े पारात होते हैं ना, जिसपे आप शादी ब्याह में गिफ्ट्स तैयार करते हैं सजाकर, बड़े बड़े परातों को कहते हैं खोमचे। तो वैसे 108 खोमचे तैयार किए गए, और तैयार करकर सब में कुछ ना कुछ रखा गया। एक खोमचा खाली बच जाता है, उसमें क्या भरे, तो उसमें ब्रजभानु जी मोती भर देते हैं। वो 108 खोमचे नंद बाबा के घर जाते हैं। अब यहां पर सबको पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, रिश्ता आया है, नंद बाबा यशोदा मैया सब बड़े प्रसन्न हैं। यहां ठाकुर जी और बलराम जी सामने से घूम रहे हैं, सीधे सीधे जाकर नहीं देख रहे, खुशी तो बहुत हो रही है, प्रसन्नता हद से ज्यादा हो रही है, लेकिन दिखा नहीं रहे, बस सामने से घूम रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं क्या आया है, क्या लिखा है। अब यहां पर नंद बाबा ने कहा कि स्वीकृति क्या, कौन मना करेगा राधा जी के लिए, हाँ है, लेकिन ये 108 खोमचे खाली तो भेजेंगे नहीं, कुछ ना कुछ भरकर भेजना पड़ेगा। सोच रहे हैं उतने में सब सेवकों से कहते कि पहले खोमचे खाली करो। भगवान ने मोतियों वाला खोमचा देखा, एक मुट्ठी मोती उठाए चले गए। नंद बाबा को मोती कम लग रहे हैं। नंद बाबा ने सेवकों से पूछा कि यहां कोई आया था क्या, सेवकों ने कहा कृष्ण बलराम आए थे। नंद बाबा ने कहा घर में ही चोर है, दूसरों से क्या पूछना। नंद बाबा कहते कन्हैया तूने यहां से मोती उठाए, भगवान कहते हाँ उठाए। अरे आज तो मान गया, हर बार मना कर देता है कि मैंने नहीं किया। नंद बाबा ने कहा क्यों उठाए, बोले मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अब तक तो पेड़ भी लगाए होंगे। नंद बाबा ने कहा दिखाना कहाँ खेती करी। तो ठाकुर जी नंद बाबा को अपने घर के पीछे ले जाते हैं, और सच में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। अब भगवान कहते हैं एक नहीं, पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। नंद बाबा ने कहा अच्छी बात है। अब यहां पर राधा जी को पता चलता है कि स्वीकृति पत्र आया, एक बार के लिए चेहरे पर मुस्कान आती है, खुश हो जाती है। अब आगे आई है देखने को कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है, क्या क्या भेजा। अब हर खोमचे में कपड़ा लगा है, पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, पांचवा मोती। अरे बाप रे, अभी तो और जोर जोर से रोने लग गए, मुझे दिखाने को ही भेजे गए हैं कि हमारे यहां भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो रोना धोना तो पहले हो ही रहा था, अब भोजन भी बंद कर दिया, अब कुछ नहीं खा रही राधा, किसी से बात नहीं कर रही, रोती जा रही है। यहां चिंतित हो गए ब्रजभानु जी, तब एक ऐलान कर दिया ब्रजभानु जी, बरसाने में ऐलान करते हैं कि राधा बहुत उदास है, रो रही है, भोजन नहीं कर रही, तो जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बरसाने से बात वृंदावन पहुंचती है, बात तो आग की तरह फैलती है, वृंदावन तक श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है। मन विचलित हो जाता है, अरे रे भोजन नहीं कर रही, रो रही है, उदास है। जो प्रेम करते हैं ना वो कितने ही क्रोधित हो जाए, चिंता नहीं छोड़ते कभी। तो ठाकुर जी विचलित हो गए बिल्कुल, मन व्याकुल हो उठा कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर भी सीधे सीधे कैसे जाऊं, सीधे सीधे मनाने तो नहीं जाऊंगा, कि
क्योंकि वो खुद ही कह देगी एक खबर मिली नहीं कि आ गए मनाने, एक खबर पहुंची और आ गए मुझे मनाने। बलदाऊ भैया कह देंगे कि यहां रिश्ता पक्का नहीं हुआ, चला जोरूगा गुलाम। क्या करूं, कैसे मनाऊं, मनाना भी जरूरी है। तब ठाकुर जी की नजर यशोदा मैया पर पड़ती है। वो उनके कमरे में जाते हैं, घाघरा चुन्नी लेते हैं, कुछ चूड़ियां इकट्ठा करते हैं और मनिहारी का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं। राधा जी के घर के नीचे जोर से चिल्ला रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, लाल हरी पीली नीली चूड़ी ले लो। आइए दर्शन करते हैं कैसे भगवान राधा जी को मनाते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। मनिहारी का वेश बना श्याम, ओ छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी। क्या बात है, आइए कौन कौन चाहते भगवान उनके पास भी ऐसे ही आए, उठाना पूरे पूरे हाथ। हाँ, तो सभी मिलकर तालियों के साथ, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का वेश बनाया श्याम चूड़ी। मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया,
राधा जी के घर के नीचे आवाज लगा रहे हैं। राधा जी कहती है, आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, जानी पहचानी आवाज है ये। राधा ने सुनी ललिता से कही, आते हैं, उन्हें चूड़ियां दिखा रहे हैं, कभी कोई रंग की, कभी कोई रंग की। राधा जी क्या कहती है, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। Yeah.
आइए तो महाराज इस प्रकार राधा जी को भगवान मनाते हैं। संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।